तो हेलो प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं वार्षिक परीक्षा पेपर कक्षा 11वीं अंग्रेजी विषय का। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। आज हम पूरा आपका वार्षिक परीक्षा कक्षा 11वीं हिंदी विषय का पूरा पेपर आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू करें उससे पहले आप सभी लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और साथ ही बेल के आइकन को भी दबा लेंगे, जिससे कि प्यारे विद्यार्थियों आप सबको हमारे द्वारा अपलोड होने वाले वीडियो बराबर मिलते रहे। तो पूरा का पूरा आज मैं आपको कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा अंग्रेजी विषय का पूरा सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाने वाला हूं। तो इसलिए जल्दी से दोस्तों आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबा लेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से जल्दी देखते हैं और समझते हैं कि आपका वार्षिक परीक्षा पेपर कक्षा 11वीं अंग्रेजी विषय का कैसा आएगा, कितने सारे इसमें से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। वन बाय वन करके प्रत्येक चीज़ को हम देखते हैं, जानते हैं और समझते हैं। तो सबसे पहले प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे प्यारे विद्यार्थियों आप सबको हमारे द्वारा अपलोड होने वाले वीडियो बराबर मिलते रहे। तो प्यारे विद्यार्थियों, बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपका वार्षिक परीक्षा पेपर कक्षा 11वीं अंग्रेजी विषय का पेपर कैसा होगा, कितने इसमें से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि आपका जो पेपर होने वाला है, तो आपका कक्षा 11वीं का सबसे फर्स्ट पेपर जो होगा वो अंग्रेजी का ही होगा। जी हाँ, बिल्कुल, अभी आपके पास में अंग्रेजी का पेपर का सोल्यूशन आपको इसलिए मैं बना के बता रहा हूं, जिससे कि आपकी परीक्षाओं की तैयारी बहुत ही अच्छे से आप सभी लोग कर सको। तो चलिएगा, देखते हैं और समझते हैं कि आपका कक्षा 11वीं अंग्रेजी का पेपर कैसा आने वाला है, कितने प्रश्न इसमें से पूछे जाएंगे। वन बाय वन करके मैं प्रत्येक चीज़ का सोल्यूशन आज के इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। तो इसलिए पूरा वीडियो देखकर जरूर जाइएगा, जिससे आपको पूरा पेपर समझ में आ सके। तो चलिएगा, देखते हैं कि आपका अंग्रेजी का पेपर कक्षा 11वीं का वार्षिक परीक्षाओं का कैसा होने वाला है, सब कुछ आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो में आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि कक्षा 11वीं अंग्रेजी विषय का पेपर कैसा आपका आएगा। प्यारे दोस्तों, आपके जो पेपर की शुरुआत होगी वो सेक्शन ए से होगी। किससे होगी? सेक्शन ए में क्वेश्चन नंबर 1 दिया जाएगा आपको, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। यानी कि आपको पैसेज पढ़ना है पूरा, और इस पैसेज को पढ़ के आपको जो नीचे क्वेश्चन दिए गए हैं इनके उत्तर आपको लिखने हैं। तो चलिए, इन क्वेश्चन में आपको क्या होगा कि आपका जो पैसेज होगा ना, ये क्वेश्चन 1 में जो आपसे पैसेज पूछा जाएगा, इसमें 10 ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे। यानी कि 10 ऑब्जेक्टिव आपके क्वेश्चन इसमें से पूछे जाएंगे पैसेज नंबर 1 से, क्वेश्चन नंबर 1 में। तो चलिए का देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 में कौन कौन से पैसेज हैं जो कि आपकी परीक्षाओं में, ये जो पैसेज है ये आपकी परीक्षाओं में बिल्कुल आने वाला है। बिल्कुल आपका ये जो मैं आपको बता रहा हूँ पूरा का पूरा असली पेपर है, पूरा यही आएगा। इसलिए पूरा जरूर देख कर जाइएगा। अगर आपने बिल्कुल भी वीडियो को मिस किया या स्किप किया तो आप यकीन मानिएगा कि आप अपना पेपर खुद बिगाड़ लोगे। तो पूरा असली पेपर बता रहा हूँ मैं आपको। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन जो दिया गया है पूरा ध्यानपूर्वक देखिएगा, पूरा असली पेपर आज मैं आपको पूरा बताऊंगा। तो पूरा फर्स्ट देख सकती हो क्या लिखा है, व्हाट इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ द ह्यूमन डेवलपमेंट। तो इसका आ जाएगा सी वाला, सी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके ऊपर आपको चिन्ह लगा लेना है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 पर ध्यान दीजिएगा, व्हाट इज कंसीडर्ड ए हॉक्स। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर भी सी वाला हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? 2 का भी सी वाला। तो प्यारे दोस्तों, आप पूरा वीडियो देखकर जरूर जाइएगा, पूरा वीडियो देखकर जाइएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पूरा का पूरा आज मैं आपको असली पेपर बताने वाला हूँ। ये तो आपको तभी पता चलेगा कि जब आप पेपर दोगे, तब तक काफ़ी देर हो चुकी होगी। इसलिए पूरा पेपर जरूर देख लो, पूरा का पूरा जो मैं बता रहा हूँ आपको पूरा असली पेपर मैं आपको बता रहा हूँ। आगे आप यहाँ पर देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा, व्हाट इज हिडेड स्टूडेंट इन द डेवलपमेंट। तो इसमें जो दिया गया क्वेश्चन नंबर 3 में, क्वेश्चन नंबर 3 का डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? डी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगले की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 आप यहाँ पे देख पा रहे हो, क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है, द शिफ्ट इज एजुकेट सिस्टम मीन्स। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। इसके ऊपर आपको चिन्ह लगा लेना है। तो प्यारे दोस्तों, पूरा का पूरा मैं आज आपको पूरा असली पेपर बता रहा हूँ, इसलिए पूरा वीडियो देखकर जरूर जाइएगा। वीडियो को मिस किया ना तो आपको कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है। तो अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग सिमिलर्स इन द मीनिंग टू द वर्ड हॉक्स। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो दिया गया है, इसका बी वाला हो जाएगा, अनट्रू, अनट्रू, ये आपको इसमें लिख लेना है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 6 में आप देख सकते हो, विच एक्टिविटीज़ हैव बिकम ए पॉइंट ऑफ द फोकस टुडे। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो दिया गया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी वाला। कौन सा हो जाएगा? डी वाला। इसके ऊपर आपको चिन्ह लगा लेना है। तो आगे बढ़ते हैं और देख पा रहे हो इस जगह पर यह क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर होगा वो डी वाला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का डी वाला हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 7 की अगर बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर 7 का आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा।
और क्वेश्चन नंबर 8 की अगर बात की जाए, क्वेश्चन नंबर 8 का आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? बी वाला। और क्वेश्चन नंबर 9 की अगर बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर 9 में आप देख पा रहे हो, क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर होगा वो आपका बी वाला हो जाएगा। इसमें भी आपको बी वाला राइट लगा लेना है। और क्वेश्चन नंबर 10 जो होगा इसका आपको सी वाला राइट लगा लेना है। तो प्यारे दोस्तों, इसमें आपसे 10 ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि मैंने आपको बता दिए हैं। अब चलिएगा क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे रीड नोट मेकिंग समरी पूछी जाएगी पूरी, आप यहां से देख सकते हो। वैसे आपको नोट मेकिंग समरी जरूर बनाना आती होगी, नहीं आती है तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं इसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। नोट मेकिंग समरी भी आपको इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में पूछी जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 1 हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 2 हो चुका है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, कि क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे क्या पूछा जाएगा। तो चलिए प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं और समझते हैं। प्यारे दोस्तों, आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 होगा उसकी शुरुआत सेक्शन बी से होगी। सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर 3 आप यहां से देख सकते हो, ये क्या पूछा गया है। यहां से आप देख सकते हो, आसिमा इज गोइंग एब्रॉड ऑन द फॉरेन असाइनमेंट 5 ईयर्स। सी वांट टू सेल हर रेफ्रिजरेटर, एलसीडी टीवी, ड्यूरेबल बेड, अलमीरा, ड्राफ्ट एंड एडवर्टाइजमेंट। तो यहां पे प्यारे दोस्तों आपसे विज्ञापन पूछा गया है फॉर सेल का। कौन सा विज्ञापन पूछा गया है? फॉर सेल का विज्ञापन यहां पर आपसे पूछा गया है। तो प्यारे दोस्तों, पूरा का पूरा आपको यहां पर फॉर सेल का विज्ञापन पूरा लिख देना है। और उसी के नीचे क्वेश्चन नंबर उसी के नीचे आपको सेव ट्री का पोस्टर देखने को मिल जाएगा। सेव ट्री का पोस्टर आपको देखने को मिल जाएगा। आप चाहे तो ऊपर वाला कर सकते हो या ये नीचे वाला कर सकते हो। और उसी के नीचे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या देखने को मिलेगा। यू आर आनंद कुमार मिश्रा, ए रेसिडेंट ऑफ प्रीति विहार छतरपुर, राइट ए द लेटर टू द कलेक्टर ऑफ डिस्ट्रिक्ट। तो देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे लाउड स्पीकर पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा? लाउड स्पीकर। आप लोग इसको तैयार जरूर अच्छे से कर लेंगे। लाउड स्पीकर आपसे क्वेश्चन नंबर 4 में दोस्तों पूछा जाएगा, तो आप इसको तैयार कर ले। और उसी के नीचे क्वेश्चन नंबर 5 में आप देख पा रहे हो, क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे क्या पूछा जाएगा ये भी देखते चले। राइट एन आर्टिकल ऑन द फॉलोइंग टॉपिक इन अबाउट 200 वर्ड। 200 वर्डों में आपसे इन टॉपिक के ऊपर आपको लिखना है। तो वैसे साइंस इन आवर डेली लाइफ, इसके ऊपर आप लिख सकते हो। तो आपको ये पूरा कम्प्लीटली तैयार कर लेना है। और आगे आप देख पा रहे हो, इस जगह से आपके क्वेश्चन नंबर 6 की शुरुआत होती है सेक्शन सी। सेक्शन सी में भी देख लेते हैं, हिज ब्रदर इज MLA, तो इसमें आपको N लिख लेना है। मिस्टर डेविड इज ए रिच पर्सन बट नॉट हैप्पी, इसमें बट आ जाएगा। अनिल इज सिटिंग कपिल एंड अजय, तो इसमें आपका बिटवीन आ जाएगा। ही डिड नॉट बाय एप्पल, तो देखिएगा इसमें आपको लिखना है एनी आ जाएगा इसमें। चिल्ड्रन टू प्ले वन सेंट्स, तो इसमें आपको लव से लिख लेना है। अगला, यू नॉट टू टॉक लाइब्रेरी, यू कैन, तो इसमें आपको क्या लिख लेना, यू कैन नॉट टॉक टू लाइब्रेरी। तो क्वेश्चन नंबर 6 का पूरा सॉल्यूशन मैंने आपको बता दिया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो क्वेश्चन नंबर 7 की अगर बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर 7 में आप यहाँ पे देख पा रहे हो, क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे डुएट डायरेक्टेड पूछे जाएंगे 5 नंबर के। तो ये भी देख लेते हैं, सानिया डिड हर ड्यूटी, तो इसका क्या बनेगा। नेगेटिव बनाने की कह रहा है, तो आपको ऐसे बना लेना है, सानिया डिड नॉट डू हर ड्यूटी। तो ये आपको पूरा लिख लेना है, ये बन जाएगा। तो ये नेगेटिव हो गया। अगला देख सकते हो क्या लिखा है, यहाँ पर क्या लिखा है, द मैंगो इज सो सोर दैट आई कैन नॉट ईट। रीराइट द सेंटेंस टू टू लगाना आपको क्या करना, देखिएगा बहुत सिंपल सा फंडा है। इस वाले को, ये जो सो लिखा ना, इसको हटाओ और इस जगह पर बड़ा वाला टू, यानी कि जिसमें टी डबल ओ हो उसको इस जगह पर लिख दो। और इसके अलावा ये सिंपल सा फंडा आपको मैंने बताया है, ये डेट के नोट तक का पूरा हटाओ और इसकी जगह पर छोटा वाला टू लिख दो, और पूरा का पूरा सेंटेंस वैसा का वैसे जमा देना, पूरा आपका सही हो जाएगा। तो ये आ गया होगा समझ में। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा गया है, इफ़ यू डू नॉट वर्क हार्ड यू विल फेल। तो देखिएगा यहाँ पे भी क्या पूछा गया आपसे, रिवर्ड यूजिंग अनलेस आपको लगाना है। तो देखिएगा अनलेस लगाने का भी साधारण सा तरीका है, आपको क्या करना है, देखिएगा इफ को हटाया और इसकी जगह पर ये अनलेस को लिख दिया, अनलेस लिख दिया, और इसके बाद में ये जो डू नॉट आया ना, इसको हटा दो, बाकी ऐसा कैसे लिख दो, कुछ भी दिक्कत नहीं, पूरा नंबर मिल जाएगा। और अगला, द मेन हेड नॉट कम टू फ्रॉम द टू डे द मेन ब्रिंग। रिलेटिव को जोड़ना है तो इसमें आपको हूँ से जोड़ देना, पूरा हूँ लिखो यहाँ पे, पूरा का पूरा ऐसा कैसे लिख दो। और अगला देखते हैं, द न्यूज़ सरप्राइज मी, तो इसमें आपको वॉइस चेंज करनी है या आपको इस प्रकार से बनाना है। अब देखिएगा, अब आगे हम बात करेंगे सेक्शन डी की। सेक्शन डी में क्या पूछा जाएगा, सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। 100% आज आपको मैं असली वाला पेपर बता रहा हूँ, पूरा का पूरा वीडियो देख कर जाइएगा आप। चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
तो प्यारे दोस्तों आप यहाँ पे देख पा रहे हो क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे पूछा गया है, क्या पूछा गया है, ये पेसेज दिया गया है और इसको हल करने को पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 8 में। 6 नंबर आपने अगर इसको किया तो मिलेंगे। तो चलिएगा क्वेश्चन नंबर 8 का भी सोल्यूशन देख लेते हैं, क्या आपको करना है यहाँ पर। चलिएगा इसमें अगर देखा जाए तो पहला दिया गया है हु वाज कवर्ड विद ए रेड श्राउड, इसमें आपको क्या लिख लेना है, इसमें पहले का बी वाला राइट आंसर आ जाएगा। कौन सा वाला, पहले का बी वाला, इसके ऊपर आपको चिन्ह लगा लेना है। अगला देखते हैं, दूसरा देखते हैं, व्हाई डिड द बर्ड नॉट ईट द ब्रेक क्रम्स, तो इसमें क्या आ जाएगा, इसका भी आपका बी वाला सही हो जाएगा, इसके ऊपर आपको चिन्ह लगा लेना है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 3 का भी आपका ये वाला सही हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 4 को आपको यहीं से समझ लेना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर अगर देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे क्या पूछा गया है, हु इज द अदर ऑफ द एबव पैसेज, यानी कि ऊपर के पैसेज का अदर कौन है, तो ये है बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, खुशवंत सिंह, ये आपको लगा लेना है। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, और ये अगला रहा, यहाँ पे आप देख पा रहे हो क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 का जो उत्तर होगा ये भी आपका बी वाला सही हो जाएगा, डिड नॉट ईट ब्रेड क्रम्स। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज सिमिलर मीनिंग ऑफ द वर्ड बीपिंग, तो बीपिंग का ये बी वाला हो जाएगा, मोरिंग, इसके ऊपर आपको चिन्ह लगा लेना है। अब आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की, क्वेश्चन नंबर 9 में ऐसी कविता आपसे पूछी जाएगी, ये दी गई है, तो इस कविता में से आपको क्या करना है कि यहाँ पर जो कविता दी गई है इस कविता का सॉल्यूशन आपको लिखना है। तो चलिएगा देखते हैं, पहला क्वेश्चन, व्हाट डज द कार्डबोर्ड शो, व्हाट डज द कार्डबोर्ड शो, तो इसका फर्स्ट का ए वाला हो जाएगा, कौन सा वाला, ए वाला, इसके ऊपर आपको चिन्ह लगा लेना है। अगला देखते हैं, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो, यहाँ पर आप देख पा रहे हो क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 2 में जो दिया गया है उसका ए वाला हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 2 का ए वाला और क्वेश्चन नंबर 3 का डी वाला हो जाएगा, कौन सा, ये वाला। तो इस प्रकार से आपको मैंने अभी तक क्वेश्चन नंबर, इसका भी आंसर बता दिया, क्वेश्चन नंबर 9 का भी आपने इसको यहाँ से क्वेश्चन नंबर 9 को समझ लिया होगा। अब हम समझते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का बी वाला, जी हाँ, ये क्वेश्चन नंबर 9 का ए वाला था, 9 का ए वाला था ये, अब क्वेश्चन नंबर 9 का बी वाला भी हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो, क्या देख पा रहे हो, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 के बी में आपसे क्या पूछा जाएगा, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो, यानी कि इसको आपको पढ़ना है और इसके उत्तर आपको लिखने हैं। तो चलिएगा 9 का बी वाला भी समझ लेते हैं, ये जो पैसेज दिया गया है इसके उत्तर देखते हैं। हु वाज सिटिंग ऑन द हॉर्स, तो इसका राइट आंसर ए वाला हो जाएगा, कजिन ऑफ स्पीकर। फ्रॉम विच लेसन द अबव एक्सट्रैक्ट हैज बीन टेकन, किस लेसन पार्ट से लिया गया, इसका सी वाला हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन इसका सही होगा। तो 2 हो चुके हैं, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे आप यहाँ पे देख पा रहे हो क्वेश्चन नंबर 3 जो दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 3 का सी वाला राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा वाला, सी वाला, इसके ऊपर आपको चिन्ह लगा लेना है। और क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है, राइट द नाउन फॉर्म ऑफ द वर्ड ब्यूटी, तो इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, देखिएगा ब्यूटीफुल लिखाना तो उसको कर देना ब्यूटी, क्या आ जाएगा, BUTY, ब्यूटी आपको इसमें लिख देना है, तो ये हो जाएगा। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, तो आगे आप यहाँ पे देख पा रहे हो क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे 7 ऐसे क्वेश्चन दिए जाएंगे जो कि यहाँ पे दिए गए हैं, तो आप सभी लोग इनको जरूर याद कर ले, आपके पेपर में आ चुके हैं, छप चुके हैं, और 7 क्वेश्चन होंगे, उसमें से आपको 5 सोल्यूशन करना, 2-2 नंबर इसके मिलेंगे। तो आप सभी लोग इसका सोल्यूशन जरूर बना ले, अगर आपके पास में इसका सोल्यूशन पहले से है तो और अच्छी बात है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे आप देख पा रहे हो क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में आपको 5 प्रश्न दिए जाएंगे जो कि यहाँ पे दिए गए हैं। तो ये 5 प्रश्न जो दिए गए हैं इसमें से क्वेश्चन नंबर 11 में से 5 में से आपको कोई भी 3 हल करने हैं, कितने हल करने हैं, 3, आप यहाँ पे देख पा रहे हो क्वेश्चन नंबर 11 में से कोई भी, ये जो 5 प्रश्न दिए गए हैं इसमें से कोई से भी 3 प्रश्न आप अच्छे से हल कर लो, ये आपकी परीक्षाओं में आएंगे ऐसे कैसे, तो पूरा आप इसका सोल्यूशन जरूर तैयार कर ले। तो आगे आप देख पा रहे हो क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे और 3 क्वेश्चन में से आपको बोला जाएगा कितने, 2 हल करने को, तो इसमें से आपको 3 में से 2 क्वेश्चन अच्छे से हल करना है, तो आप यहां से इसको देख लीजिएगा। तो ये क्वेश्चन दिए गए क्वेश्चन नंबर 12 में, इन तीनों में से कोई से भी आपको 2 हल करने हैं। तो आगे प्यारे दोस्तों आप देख पा रहे हो क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे ये से 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, तीनों प्रश्नों को आपको समझना है और 3 में से आपको किन्हीं 2 के उत्तर लिखने हैं, कितने के लिखने हैं, 2 के उत्तर लिखने हैं, और प्रत्येक प्रश्न जो हुआ इसमें 3 नंबर का है, कितने नंबर मिलेगा, 1 अगर लिखोगे तो 3 नंबर मिल जाएगा, 2 लिखोगे तो 6 नंबर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 को भी इस प्रकार से आपको हल कर लेना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, तो आपको क्वेश्चन नंबर 14 में ये 2 प्रश्न दिए जाएंगे, दोनों प्रश्नों में से एक कोई सा भी प्रश्न आपको हल करना है, यहाँ से आप इसको समझ लीजिएगा, दोनों प्रश्नों में से कोई भी एक प्रश्न हल करना है, तो ये आपको समझ लेना क्वेश्चन नंबर 14 को। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं आगे,
तो इस प्रकार से यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में आपको दो क्वेश्चन दिए जाएंगे और दोनों क्वेश्चन जो दिए गए हैं दोनों में से आपको कोई भी एक हल करना है। तो प्यारे दोस्तों, आपका जो कक्षा 11वीं का अंग्रेजी का जो पेपर होने वाला है उसमें कुल आपको 15 ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। कितने क्वेश्चन देखने को मिलेंगे? 15 क्वेश्चन। तो आप सभी लोग इसको अच्छे से तैयार जरूर कर लें क्योंकि आपकी परीक्षाओं में कुल 15 ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो इसी के साथ में ऑल द बेस्ट, वीडियो को करते हैं यहीं पर समाप्त।